जी सर, सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह पिछली बार ऐसे अकेले थे, लेकिन इस बार अकेले अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए इनके साथ दावा देंगे इनकी वाइफ को, जेस। भाभी जी खुश आमदीद कहने तुहानू। थैंक यू। भाभी जी बड़ी गल है, छोटी जी कुड़ी ब्याह ली, इन्होंने मां प्यो नु दसिया जोड़ी वास्ते फर्स्ट टाइम टू पाकिस्तान आई बिलीव। हां जी। एंड कैसा लग रहा है पाकिस्तान? बहुत वधिया। इंडिया तो ज्यादा चंगा आ। इंडिया पता की है, इंडिया के लोग भी इदा दे रुखे रुखे रेंदे आ, पर इथे हॉस्पिटैलिटी बहुत वधिया आ, यू नो एवरीवन इज डाउन टू अर्थ एंड इट्स रियली वेलकमिंग। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी आपको पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड एवरीवन इज डाउन टू अर्थ। एवरीवन इज डाउन टू अर्थ। वाह वाह। हां जी। आपको उर्दू आती है और इज इट पंजाबी? पंजाबी। तो पंजाबी और उर्दू के दरमियान जी हम लोग स्विच करेंगे, आप लोग भी प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा। भारतीय पंजाब और इतों की जी पंजाबी है ना जी, वो थोड़ा जा फर्क जरूर है। हाँ। लेकिन मोहब्बत च फर्क नहीं है। क्या बात है, बहुत से मोहब्बत बिल्कुल ठीक है। ये बताइए सुजीत, लास्ट टाइम आप आए थे तो आप एक सिंगल आदमी थे, और ये अब जबरदस्त एक साथ आपने, ये क्या कब हुआ ये? दो साल हो गए जी। वैसे तो जब मैं पहला भी आया सी उस टाइम भी मैं, अच्छा, आप सिर्फ एक्ट कर रहे थे कि आप सिंगल हैं? हाँ, वैसे आप थे नहीं। अच्छा, उन्होंने वीजा नहीं मिला। अच्छा, सारे लोग ही दसते हैं कि मैं उन्होंने फोन कर चलिया पर कर दे नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? बेसिकली हूं जब मैं पाकिस्तान आता है काफी बिजी रहता है, इतने शो है, इतने लाहौर के बहुत बहुत शो होंगे, इतने तो बहुत बढ़िया ना प्यार करते, इतने कराची भी साढ़े बहुत ज्यादा शो है, इस्लामाबाद। वैसे तो हजी फैसलाबाद नहीं गया, हाली फैसलाबाद नहीं गया, उत्थे नहीं गया। सो इंशाल्लाह जाऊंगे, जरूर जाऊंगे उत्थे पार्टी करने। ये जो साहब हैं ये फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, चलिए जो थोड़ा दिल करे फैसलाबाद आओ, जे कहो तो फैसलाबाद ले इत्थे सद लेंगे। ये भी फैसलाबाद कहीं है। अच्छा जी। ये मेरे दोनों तरफ फैसलाबादी बैठे हुए हैं। बाहर बस करोती भी फैसलाबाद जानी है। लेकिन जानी थोड़ी जी लेट है क्योंकि चाचा ने जो टायर धोने ने। फैसलाबाद जाने की क्यूरियोसिटी क्यों? ज्यादा ठेठ पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, असं भी ज्यादा पंजाबी बोलते हैं, नाल इंग्लिश बोलते हैं, पर उधर पापा जी जुगता बहुत करते हैं, तुहानू भी हो गए एडे वे बूट पाए सड़क बनानी। पजामा ही पा के आ गए हमाम च खलोते थे, वो कहने असं नहीं कहते। लुधियाना जलंधर मकेरिया दसूआ सारा फगवाड़ा सारे उत्थे ही है। अच्छा जी। भाई अपना धर्मेंद्र का पिंड सारे उत्थे शिफ्ट होए आ। अच्छा जी। वीरे की हाल है फैसलाबाद? और तुहाडे जलंधर दे बोले ना इको बड़ी है, काका तै रोटी खाधी हुई 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 है। जौली बने जौली बने, काका तेरा मुंह उधारे के करगा क्यों है? फैसलाबाद लड़ाई भी होनी होवे तां इंज पुछदे, वीर तुहानू खंजर मारना कद मारिए? जे तुहाडे कोल टाइम है तां साइड ते आके हुणे ही खा लो। खंजर नहीं मार दो, बहुत नरम लोग ने, उल्टे मुंह तेरा बई। तेरे मुंह तो निशान बने, कि लड़ाइया लड़ बैठा है। अभी दुश्मनदार बंदे मेरे दे तो रोजाना 250-300 लानत पैंदी है। तुहाडे ते लानत कोई नहीं पाएगा। क्यों? पहले ही हाउसफुल है। ऐसी
ऐसी खबर लेके आया हूँ आपको मजा आ जाएगा। फरवरी में पहले बसंत होती थी ना, अब नहीं होती। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा काम किया कि आपको मजा आ जाएगा। मेले का इंतजाम हो रहा है, बहुत बड़ा मेला लग रहा है पंजाब में। मेरी ड्यूटी लगाई है उन्होंने। अच्छा, हाँ वहाँ भंगड़े वाले आ रहे हैं। अच्छा, नहीं बल्ले होंगे, पीटी होगी, बच्चों के स्टाल लगेंगे, मजा आ जाएगा। वहाँ भंगड़ा होगा, भंगड़ा यस, मैं खुद सिखा रहा हूँ भंगड़ा। आपको आता है भंगड़ा? हाँ जी, मैं 250 बंदों को भंगड़ा सिखाया। कैसे कैसे बताएंगे? लेकिन इस भंगड़े में एक शर्त है। वो क्या? वो बंदा भंगड़े में आ सकता है जो लंगड़ा हो। ये क्या? हाँ, एक टांग वाले ये लाचा पहन के करते हैं। अच्छा, हाँ, लाचे का फायदा ये होता है कि ऐसे करते थे, हवा लगती है ना, जब तेज हवा चलती है तो वही लाचा जो है ना वो छतरी बन जाता है। ऐसे 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 जब घूमते नहीं है तो उसका गोल दायरा बनता है, इतना मजा आता है, अच्छा लगता है। लंगड़े नहीं होंगे, वो मेला नहीं वेख सकते। नहीं जी, गेट से इट लैके बैठे होंगे ना। अच्छा, जेड़ा सही जाएगा तो पैर से मार के अंदर लंघाई जाएगा। तो आपने 5 बजे आ जाना है। हाँ, 5 बजे पर AM PM पीएम ना आए नहीं, मैंने पता कि आप ऐसे सुर लय का पता है आपको। हाँ जी, हाँ जी, सुर का मतलब होता है कि सुर अच्छा होवे। हाँ, ते लय का मतलब होता है कि लय दे के छोड़ दो। आप भंगड़ा भंगड़ा कर रहे हैं, आप सरदार जी आए हुए हमारे पास, मुकाबला हो जाए ना भंगड़े का। आओ, इस तरह करो, मैं तोड़ मंगाओ। लो जी भाजी, तुहाडा रोली साहब, तुहाडा होने लगा भंगड़े का मुकाबला। ठीक है, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, एहतियात बहुत जरूरी है। हुआ क्या? पिछले भंगड़े च भी इन्हें पेंट डे पे से ली थी। रेडी वन 2 3 4 तो मैंने देखा हमारा भाई आई हुई है, भाभी भी आए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने कहा भाई सलाम पेश करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा मेहमान है। बिल्कुल। हाँ, सरदार और पठानों का लतीफा बहुत मशहूर होता है। एक दफा एक सरदार और एक पठान कराची जा रहा था। अच्छा। तो रास्ते में सरदार कहने लगा, मैं हैदराबाद उतरूंगा तो मुझे नींद आ रहा है, पठान को बोला तुम मुझे जगा देना। उसने कहा मैं जगा दूंगा, तुम सो जाओ। वो सरदार सो गया तो दोनों को आंख कराची जाके खुला। तो जो पंजाबी था उसको गुस्सा आया, उसने हैदराबाद उतरना था। उसने पठान को 250 गाली दिया, पर पठान नहीं बोला। वो जब चला गया तो साथ वाली सवारी ने बोला कि सरदार ने तुमको इतनी गाली दी है, तुम बोला नहीं है। तो पठान कहने लगा कि ये क्या गाली देगा, गाली तो वो दे रहा होगा जिसको मैं हैदराबाद पहन के आया। तीसरी मंजिल से पठान रहना है, तलो किसी ने आवाज दी, गुल खान तुम्हारा बेटा मौत हो गया। अच्छा, उन्हें उतो ही छाल मारती। ओहो, पहली बिल्डिंग लंघ गया याद आया मेरा तो पुत्र ही कोई नहीं। दूसरी बिल्डिंग लंघ गया याद आया मेरा तो ब्याह भी नहीं होया। कड़ाम करके थले बजे तो याद आया मेरा ना तो गुल खान भी नहीं। वो लतीफा नहीं है, नहीं है, मैं था। लेकिन बहुत मेहनती हूं मैं। ये खानदान जो है ना, ये इंडिया के अंदर गंदुम पैदा करता है तो सारा इंडिया खाता है। क्या बात है। हम इधर नसवार पैदा करता है, सारा केपी के खाता है। हम तो सेंसदान लोग हैं। कैसे भाई? वो लकड़ी का रेड़ी नहीं होता है, उसमें भी आग जला लेता है। चले चले
हम मकई बूनते हैं तो सारा मुल्क कहते हैं। कल मैं कुल्फी खा रहा था, अच्छा, तो वो ठंडा था, मैंने वो भी उसमें डाल के पहले बून लिया। बात कर ली जल्दी, बात वो बात मैंने ये करना है कि मैंने इनसे गुलूकारी सीखना है। वेरी गुड, साहब से सुरजीत बहुत सुरीला आदमी है। ऐसा वैसा भाभी भी गाता है कि नहीं? भाभी भी कभी कभी, वैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं। अच्छा, हाँ, ये बताओ कि तुम तो पठान हो, तुम पंजाबी गान कैसे सीखोगे? नहीं नहीं, सेम सेम है, सरदार भी और पठान भी सेम सेम है। अच्छा, सिर्फ जुबान का फर्क है के। मगर तुम पंजाबी गाना क्यों सीख रहे हो उनसे? मैं चाहता हूँ कि इनका कल्चर हमारे केपीके में भी जाए। अच्छा, बड़ा जबर शादी बनाया, प्यार का शादी बनाया, देखो प्यार का शादी बनाया। पाकिस्तान में कोई खिदमत हो तो इनको बताना। हम इनका चौकीदार है, कोई गाना सुनाएगा कि मैं सुनाऊं? आप सुनाए ना। पंजाबी में गाना है जी, प्लीज। अगर मैं आपको पसंद आएगा तो मेरा केसेट निकालेगा। बिल्कुल जी, जेब जो शिखर दोपहर पिपली दे थले मैं चढ़काया बंगा, शिखर दोपहर फिर सा चढ़िए यार। तो इजाजत है जी, इजाजत। जब भी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, तो भाईजान को और भाभी को घर लेके आना, दावत करेगा।